नमस्कार बच्चों, आज की हमारी क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं, वैसे कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमने जाना। तो कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो उसमें हार्डवेयर यूनिट है, हार्डवेयर पार्ट्स हैं, और दूसरी चीज है सॉफ्टवेयर। आगे इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह से, राइट? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारी चीजें हैं, जो जिस तरह से ये कंप्यूटर वर्क करता है, उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो है उस कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक कीबोर्ड डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, और कंप्यूटर में लगा हुआ सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर आपके इससे जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड माउस अभी हमने बात करी, स्कैनर आपके उससे जुड़ा हुआ है, कैमरा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हार्डवेयर डिवाइसेस या हार्डवेयर कहलाती हैं। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट जो कि हम नहीं देख सकते, जो कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर किस तरह से कार्य करेगा वो फंक्शनैलिटी प्रदान करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर को, कंप्यूटर से काम कराने के लिए आप कंप्यूटर को इनपुट आपको देना है, आप कीबोर्ड से दे लेंगे, आपको कीबोर्ड पे कंप्यूटर से आउटपुट चाहिए तो वो आउटपुट आपको मॉनिटर पे या प्रिंटर पे मिल जाएगा, राइट? लेकिन और जैसा कि आपको पता है कि सीपीयू में एएलयू होता है जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है और वो सारी प्रोसेसिंग करवाती है, राइट? और कंट्रोल यूनिट सारी चीजों को कंट्रोल करती है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि हम कंप्यूटर से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल यूजर है, जैसे हम उदाहरण लें बैंक का, कि आज बैंक के पास एक इस तरह की एप्लीकेशन है जिसके द्वारा वो जो भी कस्टमर आता है उसका आईडी डाला, उसकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो सब डाली, और फिर वो कहीं पर स्टोर हो जाती हैं, और आगे कभी भी उनसे अगर उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो निकाली जा सकती है। तो इस यूजर जो है वो कंप्यूटर से कुछ काम ले रहा है, वो काम कैसे हो पा रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल यूजर कैसे देगा? वो तो नहीं दे सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है। तो क्या एक नॉर्मल यूजर कंप्यूटर से मशीनी भाषा में बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? प्रोग्रामर्स कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो किस पे काम करता है? हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस पर। कई सारी इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर टास्क के लिए लिखनी पड़ती हैं कंप्यूटर की मशीनी भाषा में, राइट? तो ये काम एक नॉर्मल यूजर जो है वो नहीं कर सकता, जिसका क्षेत्र कुछ और है वो कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता। जो कंप्यूटर की जानकारी रखता है, जिसने कंप्यूटर की मशीनी भाषा सीखी है या कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सीखी हैं, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। और वो क्या करता है, अलग अलग टास्क के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखता है, ऐसे कई सारी इंस्ट्रक्शंस वो लिखता है। तो इनको हम बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं अलग अलग टास्क के लिए, और इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि अलग अलग टास्क को फुलफिल कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कंप्यूटर से करवा रहे हैं। कंप्यूटर के पास स्टोरेज यूनिट भी है, कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग यूनिट भी है, कंप्यूटर के पास कंट्रोल यूनिट भी है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन कब करना है, क्या करना है,
कैसे करना है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया कि एक पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन करके आप पेंटिंग कर लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर को काम में लेकर अपना कोई कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य कंप्यूटर कैसे कर पा रहा है, उस एप्लीकेशन में जो उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, उसके द्वारा कंप्यूटर हमारे यूजर के कार्य कर पाता है, राइट? तो ये चीज है सॉफ्टवेयर। इस टर्म को हम समझे कि जो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शंस, एक टास्क, कुछ टास्क हैं वो करवाने के लिए प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, राइट? तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वह पार्ट्स हैं, वह चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसके द्वारा कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी प्रदान करी जाती है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और उनके बेसिस पर उनसे यूजर जो है वो अपना कार्य फुलफिल कराता है, अपना कार्य को एग्जीक्यूट कराता है, राइट? तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम पूरी तरह से बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? सॉफ्टवेयर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, दो कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि इनके नामों से हमें पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो जो कि सिस्टम के काम में आते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम में कौन लेता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर काम में लेता है। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। कई सारे यूजर्स इस एप्लीकेशन को काम में लेते हैं, इससे इंटरेक्ट करते हैं, इसके द्वारा डेटा सेव कराते हैं, या कोई लेटर हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूजर काम में लेता है। कंप्यूटर में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से लेटर लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क जो हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, और उन एप्लीकेशंस से यूजर अपना जो कार्य है वो कंप्यूटर से निकलवाता है, राइट? आज मान लीजिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसके काम के लिए है, यूजर्स के काम के लिए है, राइट? अलग अलग यूजर्स अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन हैंडल करता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है सिस्टम से जुड़े कामों को करवाने के लिए, वो है सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको कंप्यूटर को करना होता है, जो कि यूजर नहीं कर रहा, कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर को कई ऐसे कार्य करने होते हैं जो कि जिसके लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो कौन से ऐसे टास्क होते हैं जो कि सिस्टम को करने होते हैं, आपके जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर पे लगे हुए हैं उनको मैनेज करने का काम, यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, ये ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि कंप्यूटर को करने होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट,
आज हम कई सारे एप्लीकेशंस जो हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं, वो एक साथ अपने कंप्यूटर पर रन करते हैं, चलाते हैं। तो ये अलग अलग जो प्रोसेस हैं, ये जो अलग अलग कार्य हैं, ये कंप्यूटर कैसे कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सी ऐसी सिस्टम फाइल्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि इन कामों को फुलफिल करते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डेट एंड टाइम मैनेजमेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क, ये कई ऐसे कार्य हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए है, जिनसे यूजर का कोई लेना देना नहीं है, एक नॉर्मल यूजर उससे डील नहीं करता। हाँ, एक यूजर है जो इन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हो सकता है कि कुछ करे, और वो होता है कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर। कंप्यूटर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो कई बार इन कई ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको जिनसे डील करता है, और कंप्यूटर के कुछ टास्क जैसे सिक्योरिटी या प्रोसेस मैनेजमेंट है, उनके जो वेरियस पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर सकता है, राइट? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि सिस्टम का काम कार्य फुलफिल करने के लिए बने हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि यूजर के लिए बने हुए होते हैं। जो कंप्यूटर यूजर है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वो इन एप्लीकेशंस को काम में लेता है, राइट? तो अगर हम इनके उदाहरण देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो जैसे हम ले सकते हैं, मान लीजिए कोई पेंटिंग एप्लीकेशन है, पेंटिंग एप्लीकेशन, या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ये उदाहरण हो सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इसी तरह से कैलकुलेटर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। या हमने कहा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, राइट? तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, पेंटिंग एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, कैलकुलेटर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हम उदाहरण ले जो कि महत्वपूर्ण सिस्टम है, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को अंजाम देता है, विभिन्न कार्यों को एग्जीक्यूट करता है। जितने भी अभी हमने सिस्टम रिलेटेड कार्य देखे, लाइक डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीजें हैं, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सारे कार्य, सिस्टम रिलेटेड सारे कार्यों को कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर एक कंप्यूटर में होता है, बिना इसके कंप्यूटर चल नहीं सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स के लिए, और हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो हमारे कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं, उससे लेकर जब तक कंप्यूटर हम ऑफ नहीं कर देते, तब तक वो एक्टिवेट रहता है, एक्टिव रहता है, और जितने भी विभिन्न कार्य हैं, जैसे अलग अलग प्रोसेस को मैनेज करना, आपने जो अलग अलग एप्लीकेशंस खोल रखी हैं उनको मैनेज करना, आपकी डिवाइसेस से आप डील कर रहे हैं, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें डेटा स्टोर हो रहा है, या आपकी जो आउटपुट यूनिट है, डिवाइस है, उस पर आउटपुट भेजने का कार्य करना, आपके इनपुट डिवाइस से इनपुट रिसीव करने का कार्य करना, ये सारे काम कौन करता है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, उसके बगैर हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता, और वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों के लिए जिम्मेदार है, या जिसका होना अनिवार्य है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए। अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, तो वो किसकी वजह से चल पाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से।
ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारा कंप्यूटर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, राइट। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है जो कि लोड होता है, जो कि फंक्शनल उसमें आता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आपके कंप्यूटर जो है उस पे जब कैबिनेट पे लगे हुए जो पावर का बटन है उसको आप ऑन करते हैं, तो ऑन होते ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो जाता है। और क्या करता है वो, आपकी जितने भी डिवाइसेस हैं, आपके जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उन सबको चेक करने का, उनका स्टेटस देखने का, उनको उनसे एक इंटरेक्शन बनाने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो वो सारे बेसिक कार्य जो कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ज़रूरी हैं, और जिसे हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस क्या है कि हमने कंप्यूटर ऑन किया और कई सारे कार्य जो हैं एक के बाद एक, कई सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, वो सब कहाँ लिखी हैं। सबसे पहले जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूटिंग प्रोसेस ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, और वो सारे कार्य हम जितने भी डिवाइसेस हैं उनसे उनको मैनेज करना, उनसे उनका स्टेटस, उनको एक्टिव करना एक तरह से हम बोल सकते हैं, और उनसे सामंजस्य जो बिठाना है वो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उनको चेक करना, ये सारी चीजें करने के बाद ही हमें लॉगिन स्क्रीन मिलती है। लॉगिन करने के बाद हमारा कंप्यूटर, जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं हमारे कंप्यूटर में, हम उनको देख सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, और ये तभी संभव है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में है, राइट। तो बच्चों, और चित्रों के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
चलिए बच्चों एक डायग्राम से हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जैसे कि हमने देखा हार्डवेयर में हमारे सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट ये सब चीजें बेसिकली आती हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर हम देखें इस चित्र में तो जो सॉफ्टवेयर है इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम बोल सकते हैं इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से यानी कि सीपीयू से या रैम से उसको कुछ इनपुट आउटपुट कुछ डेटा स्टोर कराना है मान लीजिए, तो ये सारे काम यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से डील नहीं करता। यूजर और हार्डवेयर के बीच में सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंटरफेस का कार्य करता है, और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब यूजर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से डील नहीं करता, वो किसके द्वारा अपने काम को कर पाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा रिक्वेस्ट देता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को हैंडल करता है, और अब ये जो भी कुछ कार्य कर रहा है उसको प्रोसेस करवाने का काम, उसको स्टोर कराने का काम या कुछ इनपुट आउटपुट करवाना है, वो सारे कार्य कौन एग्जीक्यूट करवा पाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। ये एक इंटरफेस प्रदान करता है जिससे कि यूजर अपनी रिक्वेस्ट दे सके, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस से जो काम लेने हैं वो चीजें करवा पाए। तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस किस से डील कर रहा है, वो कीबोर्ड को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मॉनिटर पर आउटपुट्स भी वो सेंड कर रहा है, राइट? कीबोर्ड के द्वारा जो भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उनको हैंडल करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। अगर मॉनिटर पर या प्रिंटर पर आउटपुट्स भेजने हैं तो वो आउटपुट्स भेजने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मान लीजिए हमें कोई डेटा स्टोर करना है हार्ड डिस्क पर, तो वो हार्ड डिस्क को जो डेटा भेजना है, कहाँ स्टोर करना है, वो सारी कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम बात करें एप्लीकेशंस की, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है, राइट, अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशंस हैं, उनसे भी एक इंटरैक्शन बनाने का कार्य किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इस डायग्राम से आप ये चीज समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी चीजों को हैंडल कर रहा है, चाहे वो कीबोर्ड से इनपुट्स लेने का कार्य हो, मॉनिटर या प्रिंटर पर आउटपुट्स भेजने का काम हो, या आपको हार्ड डिस्क पर कुछ डेटा स्टोर कराना है तो कहाँ डेटा स्टोर कराना है, कितना, क्या, वो सारी चीजें हैंडल करने का, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उनसे इंटरैक्ट करने का, जो भी एप्लीकेशंस के द्वारा जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो प्रोसेस अलग अलग चल रहे हैं उनको हैंडल करने का कार्य, ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं, राइट? तो जैसे कि इस चित्र में हमने दिखाया है ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। यूजर डायरेक्टली इन हार्डवेयर से डील नहीं कर सकता, अपना कार्य नहीं कर सकता। एक नॉर्मल यूजर जो है वो इन हार्डवेयर्स को कैसे इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई ये डेटा स्टोर करा दो या ये चीज आउटपुट में दिखाओ या इनपुट लेना है, ये चीजों से, इन कार्यों से यूजर को दूर रखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे जो सिस्टम रिलेटेड कार्य हैं उनको एग्जीक्यूट करे, उनको
यूजर को फंक्शनैलिटी प्रदान करें ताकि वो ये सारे कार्य वो उसको केवल जो अपना काम करना है कंप्यूटर पे उसी पर ध्यान देना है, बजाय इसके कि कैसे डेटा स्टोर होगा, इनपुट आउटपुट कैसे होगा, ये सारे चीज हमें नहीं देखनी पड़ती। अगर हम क्या करेंगे, सिंपल सा एप्लीकेशन को काम में लेंगे और एप्लीकेशन के द्वारा जो भी हमें कराना है, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करानी है, या मान लीजिए मुझे कोई रिपोर्ट कार्ड बनानी है इस पर, या मान लीजिए कोई पेंटिंग बनानी है, तो वो सारे कार्य मैं बिना किसी दूसरे टास्क को ध्यान में रखे हुए कर सकती हूँ। कैसे वो चीज कीबोर्ड से आएगी, कैसे क्या होगा, वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में होना चाहिए। तो अब इस कंप्यूटर पर हम देखें कि कैसे हम लॉगिन करते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, आप कंप्यूटर पर, जैसे अभी आपको ये कंप्यूटर ऑन दिखाई दे रहा है, राइट? जब आप कंप्यूटर को आपका कंप्यूटर शट डाउन है, आपको ये ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है? लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, जो आपका कंप्यूटर है उसमें कैबिनेट जो है, सीपीयू जो लगा हुआ है, वहां पर एक बटन होगा, वो पावर का बटन है, उसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें लिखी हुई आ रही हैं स्क्रीन पर, कुछ कुछ नहीं आ रही, और कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है फिर वो जा रहा है कुछ इस तरह से। तो उस समय क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और वो सारी जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई डिवाइसेज हैं उनको चेक करता है और उनसे इंटरैक्ट करता है, और जब भी हम कुछ फिर कंप्यूटर को काम में लेंगे तो वो उनसे उनको हैंडल कर पाएगा, राइट? तो जितने भी डिवाइसेज जुड़ी हैं उनको चेक करने का, उनको एक तरह से एक्टिव स्टेट में लाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और फिर उसके बाद हमें कुछ एक लॉगिन स्क्रीन मिल जाती है, राइट? यहां पर जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको एक लॉगिन स्क्रीन मिल जाएगी। लॉगिन स्क्रीन क्या होती है कि वहां पर आपको कंप्यूटर ऑन करना होता है। ये देखिए कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आप यूजर का नाम देंगे, एक पासवर्ड जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं कि कोई और अनऑथराइज्ड यूजर हमारे कंप्यूटर पर लॉगिन ना कर ले, तो उसके लिए आपको स्क्रीन मिलेगी, लॉगिन स्क्रीन उसको बोलते हैं, राइट? वो लॉगिन स्क्रीन पर जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको स्क्रीन नजर आएगी। ये देखिए इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, जैसे ही हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, हमारा बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसको बोलते हैं कंप्यूटर का बूट होना। तो बूटिंग प्रोसेस में पहला चीज क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते ही वह सारी चीजें, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट्स हैं, रैम है, इन सब चीजों से, इन सब चीजों को चेक करता है, देखता है, उनसे इंटरैक्ट करता है, और सब चीजों की प्रोसेसिंग, सारी प्रोसेसिंग होने के बाद हमें मिल जाती है लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करना मतलब कि आप कंप्यूटर पे अपना नाम और पासवर्ड देकर उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कंप्यूटर में प्रवेश करते ही इस तरह की स्क्रीन आपको मिल जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और कंप्यूटर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें जाकर देख सकते हैं कि किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पर है, राइट? तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टीज खोला, अपने सिस्टम से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने खोला, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम विंडोज 7, विंडोज XP, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राइट? तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसके बारे में हम जाने। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि हमें कमांड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमें GUI प्रदान करते हैं। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जैसे अभी आपने स्क्रीन देखी, वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है,
वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. एक होता है कमांड ड्रिवन, जिसमें आप कार्य कैसे करते हैं, आप कमांड्स टाइप करते हैं, आप खुद कमांड जो है उसका नाम होगा, जो भी आपको कंप्यूटर से कराना है. मान लीजिए आपको कंप्यूटर में एक फाइल बनानी है, तो आप उसके लिए एक कमांड लिखेंगे एडिट और फाइल का नाम. तो क्या होगा, एक फाइल आप बना पाएंगे, आप टाइप करेंगे आपको जो भी फाइल में लिखा है, उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे. तो कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें सारा काम कमांड्स को लिख लिख कर होता है. और एक दूसरे प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GUI. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो GUI प्रदान करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं, और उस इंटरफेस के द्वारा जो यूजर है वो बहुत आसानी से कार्य कर पाता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं होती. ग्राफिकल, जैसा कि आपको यहाँ पे इसके नाम से, यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हमने कर दी, ग्राफिकल. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको सभी चीजें दिखाई देंगी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग जो चीजें आप कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाते हैं, कार्य करते हैं, वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी और फिर आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं बहुत आसानी से. आपको जैसे कोई फाइल बनानी है, तो फाइल के लिए आपको स्क्रीन पर एक शॉर्टकट नजर आएगा, उस शॉर्टकट को चुनकर आप कार्य कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं. जबकि कमांड ड्रिवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें आपको कमांड्स लिखने पड़ते हैं, और कमांड्स लिखकर आप अलग अलग टास्क, जैसे फाइल बनाना, फाइल को कॉपी करना या कुछ और आपको करना है, वो सारे काम कर पाते हैं. तो जैसे हम उदाहरण लें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसी प्रकार से यूनिक्स, यूनिक्स एक कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है. आपको कोई भी काम कराना है, आपको फाइल बनानी है, फाइल को मूव करना है, कुछ भी चीजें आप करना चाहें, तो उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी हर एक कार्य के लिए, और उन कमांड्स को लिख कर टाइप करके आप वो फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं. राइट, डॉस इज अ कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसी तरह से यूनिक्स इज ऑल्सो अ कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप कमांड्स लिखकर अपना काम करते हैं. तो ये डॉस या हम बोले यूनिक्स, ये किस प्रकार के हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह के कमांड ड्रिवन, जिसमें आप कमांड लिखकर कार्य करते हैं. अब एक उदाहरण लेते हैं हम, विंडोज, लिनक्स. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं. क्या प्रदान करते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसमें यूजर को सब कुछ दिखाई देता है, बजाय इसके कि वो कमांड्स को टाइप करे, वो माउस से अपने कार्य को चुन सकता है, फाइल को चुनाव कर सकता है, फाइल का उसको ओपन कर सकता है, और सब चीजें उसको दिखाई देती हैं जो फाइलें उसने बनाई हैं. यहाँ पर तो जो कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगर आपको देखना है कि आपके पास कौन कौन सी फाइल है, तो आपको उसके लिए कमांड टाइप करना पड़ेगा, और फिर आपके पास लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर कि ये फाइल्स आपके पास हैं. लेकिन विंडोज या लिनक्स में क्या होता है, आप एक विंडो ओपन करेंगे जिसमें सारी जितनी भी फाइल्स आपने बनाई है वो आपको दिखाई दे रही होंगी. यहाँ से आप फाइलों का चुनाव करके उसको ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो सब कुछ आपको दिखाई देता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में. तो विंडोज जो है, लिनक्स जो है,
ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो है उसमें बहुत पहले से, जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एमएस विंडोज आपने सुना होगा, इसमें हम स्टार्ट करें विंडोज 3.1 से लेकर तो आज हम विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज अलग अलग जो वर्जन हैं उन पर कार्य कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो स्टार्टिंग है वो हम विंडोज 3.1 और उससे लेते हैं, और आज जो है विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 इस पर कार्य हो रहा है। और ये सारे अलग अलग ऑपरेटिंग बेसिकली वर्जन हैं विंडोज के अलग अलग, जिसमें धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारे यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, यूजर की फिजिबिलिटी, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख के इसमें नई नई चीजें, नए नए फीचर्स डाले गए हैं बेसिकली। बाकी है ये वही, जितने भी वर्जन्स हैं सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं, जिससे यूजर देखता है और कीबोर्ड और माउस के द्वारा कार्य कर सकता है। कोई भी कमांड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, आप देखकर उसका चुनाव कर सकते हैं, उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चुन सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा कि हमें यहाँ पर फाइलें दिख रही थी, ये देखिए जैसे हमें चीजें दिख रही है, एक फाइल बनी हुई है। अब इस फाइल को मुझे इसमें काम करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, सब चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कोई भी चीज हमें काम में लेनी है हम उसको देख सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए जो जो फाइल्स मेरी बनी हुई है उनकी लिस्ट आ रही है, तो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जिसके द्वारा आप ग्राफिकली सब चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, आप कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम विंडोज पे ही काम करेंगे और इसमें जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उनको जानेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।